हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम चैप्टर 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में से टॉपिक हम जो आज पढ़ेंगे वो होगा कॉम्बिनेशंस। सो अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो में परम्यूटेशंस के बारे में पढ़ा था, अब हम कॉम्बिनेशंस के बारे में देखेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन। ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शंस मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट्स इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये है कि जब हम डिफरेंट सिलेक्शंस बनाते हैं, टेक करते हैं उनको, जो भी हमें गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट, मतलब हमें अब अरेंजमेंट्स का ध्यान नहीं रखना है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में, या ऑर्डर का हमें मेन फोकस नहीं करना होता है कॉम्बिनेशन लेने वक्त। फॉर एग्जाम्पल, लिस्ट द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फॉर्म्ड ऑफ 3 लेटर्स ए बी सी टेकन 2 एट अ टाइम। हमें इन 3 गिवन वर्ड्स के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं, लेकिन आपको वो जो कॉम्बिनेशन लेना है वो 2 लेटर्स का होना चाहिए। सो यहाँ पर आपको ये बस इतना ध्यान रखना है। सो हम इसको कैसे लेते हैं? सो हमारे पास सपोज 3 लेटर्स हैं ए बी सी, तो इसके 2-2 कॉम्बिनेशंस कैसे बन सकते हैं? एक बन सकता है ए बी, दूसरा बन सकता है बी सी, तीसरा बन सकता है सी ए, और ये इस तरह से भी बन सकते थे बी ए सी बी ए सी। दैट इज, अगर यहाँ पर ए बी लिखा है सो इसका मतलब बी ए भी है और ए बी भी है, मतलब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर ऑर्डर का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। आप किसी भी ऑर्डर में आप अपना कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकते हैं और वो करेक्ट होता है। सो ए बी का मतलब भी सेम है और बी ए का मतलब भी सेम है, इसमें से आप सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन लेंगे बिकॉज ये दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पर आपको ऑर्डर नहीं लेना होता है कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट्स या फिर ऑर्डर्स, सो विदाउट अरेंजमेंट्स ऑर्डर्स के साथ आपका जो है वो कॉम्बिनेशन बनता है। सो बी सी का मतलब भी सेम है यहाँ पर और सी बी का मतलब भी सेम है, सो हम यहाँ पर सिर्फ बी सी ए कॉम्बिनेशन लेंगे। सो ए बी सी 3 लेटर्स जो आपके गिवन थे उसमें से 2-2 का कॉम्बिनेशन अगर आप बनाएंगे तो 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके आ पाएंगे, और इसको आप फॉर्मूले के साथ भी करेंगे जो कि मैं अभी आपको फ्यू सेकंड्स में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले, फॉर्मूला जानने से पहले कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला किस तरह से होता है, जैसे कि परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है एन पी आर, और ऐसे ही फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का एन सी आर। लेकिन फॉर्मूला जानने से पहले हम दोनों का डिफरेंस जान लेते हैं कि कॉम्बिनेशन के बीच में क्या डिफरेंस है और परम्यूटेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। सो डिफरेंस बिटवीन अ परम्यूटेशन एंड अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में ओनली अ सिलेक्शन इज मेड, मतलब यहाँ पर हम और कुछ भी नहीं देखते हैं, सिर्फ हमें सिलेक्शन के ऊपर फोकस करना होता है। लेकिन परम्यूटेशन में क्या होता है, नॉट ओनली अ सिलेक्शन इज मेड बट ऑल्सो एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर इज कंसिडर्ड, मतलब यहाँ पर सिलेक्शन तो बनता ही है किसी चीज़ का, जब भी हम ऑब्जेक्ट में से कुछ आर टेकन करते हैं थिंग्स एट अ टाइम, बट उसके साथ साथ हम एक अरेंजमेंट, पॉसिबल अरेंजमेंट जो हमें लेना होता है उसी फॉर्म में जो भी हमें डिफाइन हुआ होता है वही ऑर्डर हमें कंसिडर करना होता है। यहाँ पर अगर मैं ए बी लिखूँगी तब भी इसका मतलब क्या है, बी ए, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, ए बी इज अनदर वे ऑफ परम्यूटेशन और बी ए का मतलब भी अलग है। सेकेंड डिफरेंस, ऑर्डरिंग ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इज इमेटीरियल एंड दिस साइड ऑर्डरिंग इज असेंशियल, यहाँ पर आपको ऑर्डर में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको ऑर्डर में नहीं लेना होता है। सपोज मैंने जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताया, ए बी और बी ए सेम है कॉम्बिनेशन के लिए, सो इसमें से कोई भी आप एक ही पिक करेंगे बिकॉज दोनों का मतलब सेम है। सो यहाँ पर ए बी का मतलब भी डिफरेंट है और बी ए का मतलब भी डिफरेंट है, सो यहाँ पर परम्यूटेशन के लिए दोनों चीज़ें क्या है हमारी, डिफरेंट। सो नोट, जनरली वी यूज द वर्ड अरेंजमेंट्स फॉर परम्यूटेशंस एंड वर्ड सिलेक्शन फॉर कॉम्बिनेशंस। सो परम्यूटेशन के लिए हम जनरली अरेंजमेंट वर्ड यूज़ करते हैं, जब भी हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है कि ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट है आपको फाइंड आउट करना है, जैसे कि अरेंजमेंट फॉर एग्जांपल आपका जो परम्यूटेशन लेटर है वो पी से ही स्टार्ट होना चाहिए, सो आप वहाँ पर फिक्सिंग करते हैं परम्यूटेशन में। सो
अरेंजमेंट आपको प्रोवाइडेड होते हैं, आपको उसी ऑर्डर में लेना होता है। कॉम्बिनेशन में यहाँ पर वर्ड कॉम्बिनेशन के लिए जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास वहाँ पर सिलेक्शन वर्ड काइंड ऑफ लिखा होगा, जिसमें कि आपको सिर्फ सिलेक्शन करनी है ऑर्डर किसी वे में भी आए। सो नाउ लेट सी द फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, परम्यूटेशन के लिए हम NPR का यूज करते हैं, अब हम कॉम्बिनेशन के लिए NCR का यूज करेंगे और उसको हम इस तरह से ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल एंड दिस r फैक्टोरियल इन मल्टीप्लाई। सो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। द नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम इज जनरली टेकन बाय दिस फॉर्मूला। आपको ये रिमेंबर रखना है। सो यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कुछ। सो अगर आपके पास ऊपर और नीचे दोनों की पावर सेम है कॉम्बिनेशन के अंदर, सी जहाँ पे आता है तो उसका मतलब होता है इक्वल्स टू वन। अगर यहाँ पर सपोज मैं 8C8 लिखूँ तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली वन। इंस्टेड ऑफ ओपनिंग द फॉर्मूला आप डायरेक्ट वन लिख सकते हैं। ऐसे ही ऊपर अगर मेरे पास 8 है और नीचे 0, R की जगह मेरे पास 0 ही है, तब भी उसका मतलब क्या होगा, वन। सो आई होप ये दोनों आपको स्टेप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट NCR को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, NCN-R। नेक्स्ट NCR प्लस NCR-1 को आप N+1CR भी लिख सकते हैं। सो ये आपको प्रॉपर्टीज हैं, वो कुछ रिमेम्बर करनी है इस चैप्टर के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है फिफ्थ प्रॉपर्टी, NCX इज इक्वल्स टू NCY, दैट इज ऊपर अगर सेम है पावर और नीचे पावर्स अलग हैं दोनों की और बीच में है इक्वल का साइन, तब इसका मतलब है कि आपका नीचे की जो पावर में कुछ भी दिया हुआ है R की जगह आपको डिफरेंट, तब आप वो इक्वल रख सकते हैं। यहाँ पर X और यहाँ पर Y, तो अभी आपने लिख दिया X इक्वल्स टू Y, और इसको आप लिख सकते हैं X+Y जिसकी वैल्यू इक्वल्स टू आएगी N। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अगर लिखूँ 10C5 इक्वल्स टू 10C1, तब आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं। सो मतलब दैट मीन्स 5 इक्वल्स टू 1, सो मतलब आपकी पावर इक्वल है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 5+1 इक्वल्स टू n। सो जब आप सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चंस मिलते हैं एक्सरसाइज में कि फाइंड करिए n की वैल्यू, जब आपके पास इस तरह से कुछ गिवन है तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आपके पास कॉम्बिनेशन में n में सेम पावर हो और नीचे r में डिफरेंट पावर्स हो, तब उसका फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू X+Y, मतलब यहाँ पर X और Y की जगह आपका कुछ भी हो सकता है। सो वहां से आपकी n की वैल्यू आएगी। सो कुछ ये थे बेसिक फॉर्मूलेस। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स फॉर एक्सरसाइज 7.4 बताऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।